नमस्कार, खेल अड्डा में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला काफी रोमांचक रहा। मैच में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी। एक समय भारतीय टीम इस मैच में जीत के काफी करीब थी, लेकिन आखिर में तेज गेंदबाज आवेश खान की एक गलती भारी पड़ गई। 5 मैचों की T20 सीरीज के शुरुआती 3 मैच वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी 2 मुकाबले अमेरिका में होने हैं। आपको बता दें कि सीरीज में भारतीय टीम ने पहला मैच 68 रनों से जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई थी, मगर अब दूसरा मैच हारते ही सीरीज 1-1 की बराबरी हो गई है। आपको बता दें कि दूसरे मैच में 139 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 129 रन बना दिए थे। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने यह ओवर तेज गेंदबाज आवेश खान को दे दिया। बस इसी ओवर की पहली बॉल पर आवेश ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने मैच हार गई। आपको बता दी कि आवेश ने पहली ही बॉल पर नो बॉल कर दी। इस पर 1 रन भी बना, इसके साथ साथ बॉल भी कोई नहीं हुआ। इसके बाद स्ट्राइक पर आए देवान थॉमस ने अगली बॉल पर छक्का और दूसरी बॉल पर चौका लगाते हुए मैच जीत लिया। इस तरह इस फंसे हुए मैच में आवेश की एक गलती काफी भारी पड़ गई। आपको बता दें कि मैच में भारतीय टीम टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए 19.4 ओवर में सिर्फ 138 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 31 और रविंद्र जडेजा ने 27 रन बनाए, जबकि वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज ओविड मुकॉय ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 6 विकेट झटके। जवाब में विंडीज टीम ने 5 विकेट पर 145 रन बनाते हुए मैच जीत लिया।